नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी शिखा शर्मा भी हैं, साथ ही साथ अंजलि भी हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो जो वोटिंग परसेंटेज है, अब तक 11 बजे तक क्या कुछ कह रहे हैं अलग अलग प्रदेशों का हाल, ये बता रही है मेरी सहयोगी शिखा। बिल्कुल, आपको बता दें कि 11 बजे तक अगर बात करें तो यूपी में 25% मतदान हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में 11 बजे तक 24% हो चुकी है। बंगाल की अगर बात करें तो 11 बजे तक 33% वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में भी 11 बजे तक 33% मतदान हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपको बता रहे हैं। अब 12 बज चुका है, लेकिन 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है ये हमने आपको बताया। तो सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया जारी है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों में किस तरह से वोटिंग के प्रतिशत सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जहां त्रिपुरा में 11 बजे तक 33.28% मतदान हुआ है, राजस्थान में 11 बजे तक 22.51%, महाराष्ट्र में 11 बजे तक 19.17% और तमिलनाडु में 11 बजे तक। तो मेरी सहयोगी अंजलि आपको बता रही है वो मतदान प्रतिशत। लेकिन इस वक्त बिहार के जमुई में मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप और साथ ही साथ लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी दिन चढ़ते चढ़ते तक क्या कुछ लोगों की और भीड़ वहां पर बढ़ी है, क्या माहौल है, जानने के लिए सीधे मैं पहले अनूप मेरे सहयोगी का रुख करूंगी। अनूप, बिल्कुल, देखिए अभी 11 बजे तक हम वोट प्रतिशत आपको सबसे पहले बता दें, 20% वोटिंग हुई है हिमानी। और देखिए बिहार में बहुत गर्मी है, बॉर्डर इलाका ये झारखंड से सटा हुआ, और आप देखिए अब सड़कों पर थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। वोटिंग बूथ थोड़ी दूर आगे है, वहाँ लोग फिलहाल बहुत कम है वहाँ से होकर हमारे, लेकिन दोपहर में जैसे जैसे धूप थोड़ी कम होगी, शाम होगी, तो ये 4 बजे तक वोटिंग यहाँ होनी है क्योंकि नक्सल इलाका है। 4 बजे तक वोटिंग है, सिर्फ एक शेखपुरा को छोड़कर, शेखपुरा में 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन 4 बजे तक यहाँ वोटिंग है। तो हो सकता है 2 या 2:30 बजे के बाद एक बार फिर लोग अपने घरों से बाहर आएंगे और वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी है 11 बजे तक का जो वोटिंग आंकड़ा 20% है, अभी वोटिंग जो जहां होनी है मतदान केंद्रों पर सन्नाटा थोड़ा पसरा हुआ है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है यहां। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अनूप आपके पास वापस लौटेंगे, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाने से लोमस अलवर से हमारे साथ है। लोमस, 11 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है ये हम बता रहे हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं, अब लोगों में उत्साह कैसा है क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, क्या उसी तरीके से उत्साहित है वोटिंग करने के लिए, क्या ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं? जो वोट प्रतिशत था वो लगभग 25% था, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या लगातार ही घटते जा रही है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं काफी गर्मी हो चुकी है, लोग एक एक करके यहाँ पे पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं, एक एक करके लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या लगातार ही उसी तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से आपने सुबह देखा था। हालांकि दिन की गर्मी बढ़ चुकी है, लोग अपना सर ढक करके इस पोलिंग बूथ हो या फिर दूसरे तमाम जो शहर के तमाम पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। लगातार ही जो यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग है वो पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रहे हैं और साथ ही नए युवा जिनको पहली बार वोट डालना है वो भी लगातार ही बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी भैया। क्या मन में क्या सवाल है और किस तरीके की सरकार देखना चाहते हैं? सर हम तो मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं सर। और क्षेत्र में जो विकास किस तरीके से पीएम मोदी ने करवाया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया करवाया, बहुत अच्छा हुआ है। तो हमें चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो युवा है वो भी पहुंच रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, किस तरीके से आप जो सरकार है जो चल रही है सरकार उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या मन में सवाल है जो वोटिंग डालने जा रही है? ठीक है, जो भी देखिए साफ तौर पे जो विकास की गंगा और जो विकास की गाड़ी है उसी तरीके से जो लगातार चलती आ रही थी उसी को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के यहाँ पर जो लगातार वोटर्स हैं वो लड़की है तो इतने छोटे अभी तो बहुत छोटे होंगे, नौकरी लायक तो नहीं हुए, जो है युवा है उनके लिए तो नौकरी मिलेगी, युवाओं के लिए। और बस अपना यही है बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीटू कश्यप है। कश्यप साहब बताइए, मेरे तो पर्ची नहीं मिली। इनकी पर्ची नहीं मिली तो इनकी पर्ची दिलवाओ भाई इनको, अब ढूंढते हैं देखते हैं। आइए, इधर और लोग हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। तो शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? लगता बहुत कुछ रहा जी, जैसे इतिहास चेंज हो जाएगा आपका। इतिहास चेंज हो जाएगा?
तो इस वक्त आपको रामपुर से जरा बता देते हैं कि रामपुर की जो जनता है वो अब धीमे धीमे घर से बाहर निकल रही है। वो जनता जो सुबह तो नहीं उठी थी लेकिन दोपहर होने होने तक अब यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर बनती नजर आ रही है। आपकी भी पर्ची नहीं पहुँची क्या घर? नहीं, पर्ची पहुँच गई, गलत बनी हुई है। मेल नाम दिखाया हुआ है। अच्छा, उसको आप सही कराने आए हैं। इस बार आपके लिए मुद्दे कौन से महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामपुर मुझे आज थोड़ा धीमा नजर आ रहा है। आप एक महिला हैं, आपके मन में क्या रहता है जब आती हैं आप चुनाव के लिए, आप क्या सोचती हैं, आपके लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण है? हमें तो अभी तो फिलहाल तो मोदी के हिसाब से सब कुछ ठीक ही लग रहा है जो मोदी कर रहे हैं। काफी कभी मुस्कुरा रही है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत खुश है। भाई लोकतंत्र का पर्व है तो खुश तो होना चाहिए। भाई साहब आपकी पर्ची मिल गई, आपका नाम आ गया? नहीं मिली है अभी, पर्ची नहीं मिली है हमें। तो कहा जाता है कि जो लिस्ट है वो थोड़ा पहले देख लीजिए, अपडेट कर लीजिए। तो फिर एक्चुअली कोई पर्ची नहीं पहुंच पाई है हमारे पास, किसी के पास नहीं पहुंच पाई है पूरे घर में। तो पहले इसको आपने तय किया था कि भाई आई है पर्ची नहीं आई है, एक बार जरा पूछ लिया जाए पहले जाकर? नहीं तो पूछ लिया जाए तो किससे पूछे वहाँ पे जाकर के? वेबसाइट पे भी अवेलेबल है थोड़ा सा, अगर वहाँ पे देख ले। हाँ, वेबसाइट पे हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ लिस्ट में नाम देखा है, नाम है ना। हाँ, तो चलिए तो बहुत अच्छी। पर्ची नहीं पहुंची है। पर्ची नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पे नाम है तो मतलब फिर तो आप वोटर आईडी देकर के कर ही देंगे अपना। आप देखिए रामपुर के लोगों के लिए इस बार चुनाव किस तरह से महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प है। आजम खान अकेले सामने सामने आ गए। देखिए जो जनता का जो प्रयास रहता है वो ये रहता है कि जो सरकार काम करे, जो गरीबों की मदद करे और आम जनता का भला करे, ठीक है, उसको चुना जाता है, उसको वोट दिया जाता है। और हमेशा से हम तो यही देते आए हैं, मोदी जी को जो वही वोट देंगे। आपका ये कहने का मतलब है कि अब जनता के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है विकास, देश को आगे ले जाने वाला। जी जी जी, सबका साथ सबका विकास, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम है मैम, मतलब राष्ट्र का निर्माण ही सबसे प्रथम है हर नागरिक के लिए। बिल्कुल, आप एक महिला है, घर से सारा कामकाज निपटा के लग रही है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सुबह उठकर के ये नहीं लगा वोट कर ले, बच्चों के नाश्ता वाश्ता बनाना? नाश्ता वास्ता बनाना था, छोटे बच्चे अभी। अम्मा अरे, क्या हुआ, नंबर है, नाम आम है कि नहीं है? है हाँ। अच्छा, तो पर्ची दिखा रही हो अभी? हाँ, ये उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, साइन करा लिए, साइन होगी क्या? क्या कर रही हो अम्मा? वो उधर भी बता रहा है कि उधर बीच वाली होगी, दोस्त से कह दी, वो बता देंगे खुद ही। अच्छा, अम्मा उम्र क्या है? 65 साल। अच्छा अम्मा, आप तो 65 साल में तो आपने बहुत बार मतदान किया। बहुत बार, हम हर बार डालते हैं, कोई सा भी हो। तो क्या सोच के डालती हो, क्या मन में रहता है, क्या और होना चाहिए? सोचे ना कहा, चलाना तो खुरपाई है, तो डालो या नहीं डालो, खुरपाई चला दे, खुरपाई चलाना है। लेकिन जो खुरपाई चलाना है तो फिर भाई सब्सिडी मिल जाए, कम दाम पे बीज मिल जाए, ये भी तो होता नहीं है चलाने का। आप तो घर ही बैठे हैं। अच्छा, घर ही बैठी हो, क्या करें, अब होता नहीं है, बुढ़ापा आ गया। आपका तो बाल बच्चे कर रहे होंगे ना, आप तो बच्चे कर रहे होंगे। आप लोग इतनी मेहनत पहले से करो तो यहाँ भीड़ नहीं लगी वोट की, ये आपकी चूक है, आप पोलिंग के डेट से पहले। हाँ देखिए, यहाँ पर जो कई लोग आ रहे हैं वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि पहले उन्होंने चेक नहीं किया और वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता रहता है कि भाई वेबसाइट पर आइए, देखिए अपना नाम जो है वो चेक कर लीजिए। लेकिन ये कहें कि कुछ जागरूक है मतदाता, कुछ थोड़ा सा जागरूकता में अभी हल्की सी कमी देखने को मिल रही है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी रुक जाइए, बहुत ज्यादा उत्साहित है बाबा जी। जी बताइए, बताइए बाबा जी, क्या बोल रहे हैं आप? जागरूक कम है जितना होना चाहिए, जनता जागरूक कम नहीं, कम है, जनता जागरूक है, आप लोग नहीं हो। अच्छा, देखो ये बेचारे इसलिए बोल रहे हैं, इनका ये कहना है बाबा जी का कि भाई यहाँ जो इतनी यहाँ पर जो लोग पर्चियाँ दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। इस बात को लेकर थोड़े बुजुर्ग हैं इसलिए नाराजगी भी है, यहाँ पर भी ये बात कह कर रहे हैं। और हमारे साथ सोहेल भी है, सोहेल ओवर टू यू। श्वेता को आप सुन रहे थे, मैं इस वक्त लोगों के बीच हूं जो वोट डाल के आए हैं या वोट डालने जा रहे हैं। वोट डाल के आए हैं? बिल्कुल, वोट डाल के आए हैं। किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? आप देखो यहां तो सपा वाला का बस्ता भी नहीं लगा हुआ, कई सपा वाला का बस्ता दूर तक घुमाओ कैमरा लगा दो भाई, क्या समाजवादी का बस्ता भी नहीं है, इकलब्बा भाजपा का माहौल है। क्यों समाजवादी का क्यों नहीं है? अरे लोगों को पता है समाजवादी गुंडों का अभिप्राय है, गुंडागर्दी का पर्याय है, समाजवादी ने लूट खसोट की है, थाने तहसीलों में दलाली की है, आज चारों तरफ रामराज है, भाजपा का माहौल है। ये कह रहे टोपी वालों के बिना तो कुछ काम नहीं चल रहा है। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। टोपी वाले किधर है? टोपी वाले भाजपा में है। कब से? पहले से ही। पहले से है? ये हंस रहे बगल वाले, देख लीजिए आप। बड़े हंसो, ये तो ऐसे तो कर रहे हैं, और क्या मुंह जिम्मे इनके, हंसेंगे तो यही लोग, हंसने क्या मना है जी किसी को। तो इस बार किधर है? बीजेपी जी, बीजेपी में अब रहेंगे हमेशा। हाँ जी, लोग यही पूछ रहे हैं बार बार। हाँ पूछना तो पूछना चाहिए जी। ये आंदोलन के बहुत देखा ही।
नहीं, वो आंदोलन का नहीं, वो तो जो ये चौधरी जयंत सिंह का है उन्हीं का है। वो भी तो उधर ही रहे। नहीं वो तो रहे, अब तो इधर आ गए, तो अब कहिए इधर ही रहेंगे। कोशिश तो यही है इधर ही रहने की, कोशिश तो यही। ये वास्तव में जो गठबंधन हुआ हाँ। ये इतना सुंदर गठबंधन है, इसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बचता नहीं। ये तो कह रहे सुंदर पिछला वाला भी था। नहीं नहीं, वर्तमान जो गठबंधन है वास्तव में वक्त की जरूरत भी थी हाँ। और जैसा समाज का माहौल था बहुत सुंदर गठबंधन, और वास्तव में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे निश्चित रूप से। पूरी 80 की 80, पूरी 80 की 80 सीट जीतेंगे। 80 की 80 आ रही। ये कह रहे सपा का बस्ता नहीं लगा। हम तो इनके साथ है जी, 80 तो नहीं आने की, पर कुछ तो कटेंगी। कटेंगी कटेंगी, कितनी कटेंगी? 5-7 तो कटेंगी, तो 75 आएगी। आप किधर वाले? नरेन की साथ में। ये मजाक कर रहे हैं, ये मेरे साथ है तो निश्चित रूप से भाजपा जीती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? साइकिल वाले जी, साइकिल वाले जीतते हैं। एक साइकिल का बस्ता नहीं, माहौल है, बस्ते की जरूरत नहीं पड़ती है साइकिल वालों को, एक तरफा माहौल। ये कह रहे गिनती करा लो यहाँ। अच्छा गिनती करवाने की कहाँ जरूरत है, गिनती तो होगी 4 तारीख में पता लग जाएगा। 4 तारीख में पता लग जाएगा नरेंद्र मलिक जीत का 1.5 लाख वोटों से, जब पता लग जाएगा 1.5 लाख वोटों से जीतेगा नरेंद्र मलिक। ये कह रहे हैं 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे जी पक्का। बब मुझे नहीं पता जीतना नहीं पता। कह रहे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। बड़ी मुश्किल है। किसकी? भाजपा गई जी, निकल गई पार है। भाजपा पार मतलब जीत गई। जीत गई हाँ। अजय जी बताओ जी, मैं आप सुबह से आपके पीछे पीछे घूम रहा हाँ। शायद मुझे जैसे उम्मीद है हाँ। आपको पता आप तो पत्रकार हैं हाँ। जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी 2012 में तो शायद एक घोषणा की थी उन्होंने कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हाँ। शायद 1 या 2 महीने दिया था, वो क्यों बंद हो गया था? ये बताइए भाई, ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता का वादा किया। गारंटी तो इन्होंने भी 2 करोड़ नौकरी करी थी, किसे दे दी बताओ? मोदी जी की तो इस तरह बड़ी तो सरकार नहीं आ सकती। किसे नौकरी दे दी इन्होंने बताओ? 1 को नौकरी दी हो बताइए। आइए इनको जवाब दे दीजिए। ऐसा है इस प्रदेश में तो जीने के हालात भी नहीं थे, और हमारा दुर्भाग्य कि हमने 2013 का दंगा भी देखा हाँ। यहाँ तो जीने के दुर्भाग्य देने के माहौल भी नहीं थे, हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी, रोजगार भी खड़े करेंगे निश्चित रूप से हम करेंगे। जो कह रहे हैं जीने के हालात नहीं थे यहाँ, बहन बेटी कह रहे हैं सड़क पर सुरक्षित नहीं निकल पाती थी। सुरक्षित थी, अब भी सुरक्षित ही है। सुरक्षित हुए तो बाबा का आशीर्वाद है, यहाँ से कहीं मोदी जी का कुछ नहीं है यहाँ से।